जय बद्री विशाल। देखिए क्या सुंदर नज़ारा है नदी बहते हुए। ये देखो ये रास्ता जो है, देखो ये रास्ता टूट जाता है, अब बताओ यहाँ से व्यक्ति कैसे आएगा। इसलिए सावन भादों में कभी भी बरसात के समय इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। अगर इस रास्ते से आओगे तो आप ये फंस जाओगे। ये नदी पूरी बहती है और ये ऊपर से पत्थर गिरते हैं। अभी तो क्या है, 4 अक्टूबर है, इसलिए इधर आने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो हम लोग ये नदी के किनारे किनारे से आए हैं, ये पूरा नदी के किनारे किनारे से आए। और पिछले साल जब आए थे हम, ये सामने वाली चोटी है तो यहाँ पर हम फंस गए थे पिछली बार जब आए थे। और ये नदी, बीच में ये नदी पड़ गई थी, इधर से भी नदी पड़ गई थी और इधर से भी नदी पड़ गया था, इसलिए हम नहीं जा पाए थे। और वहाँ से आगे से भी नदी पड़ गया था। दो लोग नीचे आ रहे हैं, देखो महात्मा जी, दो महात्मा भी नीचे हैं, ये हैं, इसमें शायद दिखेंगे नहीं। और लोग इधर बैठे हैं, ये हमारा सामान रखा है, बस राजखर्क आ गया, इसी के थोड़े पीछे जाएंगे हम लोग, अब पहुंच चुके हैं राजखर्क। और ये देखो सामने ओम बनता हुआ, वाह क्या सुंदर नज़ारा। ये देखो ओम बना हुआ है, बोलो बद्री विशाल की जय का गुसुंडी में ओम बना हुआ है, ओम ओम पर्वत की जय। इस वाले पर्वत को घोड़ा पर्वत बोलते हैं। ये देखो जैसे घोड़े की आकृति में है, इस आकृति में रहता है, इसको घोड़ा पर्वत बोलते हैं। और इनके इसके इस पर्वत के बीचों बीच में ये आप देखेंगे गौर से, कोई देवता की मूर्ति भी बनी है। ये देखो हम आपको दिखाते हैं, ये जूम कर रहे हैं हम, इसलिए थोड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं। ये इसमें गौर से देखो बीचों बीच में,